सुता के छैया Thank you.
चलो भगवान की प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरे भक्त संतन कर संगा दूसर भक्त रथ कथा प्रसंगा। पराए दुख को देख करके दुखी हो जाना ये भी एक तरह की भक्ति हुआ करती है। संतों का सम्मान करना, किसी विद्वान का अनादर ना करना ये भी एक तरह की भक्ति है, ये भी भक्ति है भैया। किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी के द्वारा उत्तरानंदन महाराज परीक्षित लाल पांचवें दिन की कथा सुन रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री राम क्यों आए भारत भूमि पर?
भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो उत्तर प्रदेश में, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उत्तर प्रदेश में, भगवान को इस भारत वर्ष में, भारत देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही सबसे प्रिय प्रदेश लगा। जहां भारत देश में गंगा और यमुना जैसी नदियां बह रही हों, ये पवित्र मेरा भारत देश है। बोले क्यों आए भगवान श्री राम, तो तुलसीदास जी बोल पड़े क्यों आए, क्यों आए, जब जब होई अरे धर्म की हानि, बाढ़े असुरी अधम अपमान, धर्म की हानि और बाढ़े असुरी अधम अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर पाप हो जाता है, पापियों की जनसंख्या बढ़ जाती है, तब तब भगवान को आना पड़ता है, तब तब आना पड़ता है भगवान को। भक्तजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब कुंभकर्ण और मेघनाथ घोर अत्याचार करने में लग गए, तो इनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा, आना पड़ा। भैया तब तब आना पड़ा। इधर दे दो, ये बच्चा बोल रहे भक्त। कैसे आए भगवान श्री राम, कहां पर आए, तो बोले अयोध्या के रहने वाले महाराज दशरथ के घर में 760 रानियां थी, जगदीश रामायण का प्रमाण है, और 760 रानियों में तीन का दर्जा सबसे ऊंचा बताया गया, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। ये केकई जो थी कश्मीर के राजा अशुपति की लड़की थी। केकई पूर्व जन्म में एक भिक्षु नाम का ब्राह्मण था, तब उसकी पत्नी थी, उसका नाम था कलहा। कलहा अपने पति से हमेशा क-
गले रखती थी। भिक्षु नाम के ब्राह्मण ने परेशान होकर के अपना विवाह दूसरा कर लिया, कलहा जहर खा करके मर गई। चार जन्म से अहोगति में भटकना पड़ा। और ध्यान रखना बहनों, जन्म दुखी पापेगी जो मत से दगा करेगी नारी। केकई बनी। केकई का विवाह महाराज दशरथ के साथ हुआ। कहाँ